हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं किंग लियर, अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। फ्रेंड्स, किंग लियर के कैरेक्टर्स हमने डिस्कस किए, समरी हमने डिस्कस की, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किंग लियर की इंपॉर्टेंट कोटेशंस। और फ्रेंड्स, कोटेशंस जितनी भी इंपॉर्टेंट हैं वो आपको यहाँ मिलेंगी, और इसी के साथ साथ उनको यहाँ मैं एक्सप्लेन कराऊंगा ताकि वो आपको हमेशा के लिए लर्न हो सके। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कोटेशन की, नथिंग विल कम ऑफ नथिंग स्पीक अगेन, नथिंग विल कम ऑफ नथिंग स्पीक अगेन। एक फ्रेंड का सजेशन था कि आप इसमें एक्ट और सीन लिख दिया करें, तो चलिए वो भी मैं लिख देता हूं, अदरवाइज आपको लर्न करने की एक्ट सीन को जरूरत नहीं है। ये जो कोटेशन रही है फ्रेंड्स, ये कोट रही है किंग लियर की। किंग लियर इस बात को कहते हैं, और एक्ट वन और सीन फर्स्ट में ये कोटेशन रही है। देखिए, किंग लियर जब अपनी बेटियों को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि बताइए, आप पहले गोनिल से पूछा जाता है कि आप मुझे कितना प्रेम करती हो, फिर रीगन का नंबर आता है, और लास्ट में जब कॉर्डिलिया से यही सवाल दोहराया जाता है तो कॉर्डिलिया चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं कहती। जब वो कुछ नहीं कहती तब उस पर किंग लियर कहते हैं कि नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, कि अगर तुम चुप रहोगी तो मैं भी चुप रहूंगा, यदि तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता हूं। क्लियर? और किस बात पे? मेरे प्रश्न पूछने पर अगर तुम चुप हो तो मैं भी चुप रहूंगा। और फ्रेंड्स, ये बता दूं मैं आपको, जो कॉर्डिलिया थी वो सबसे छोटी बेटी थी किंग लियर की, और किंग लियर उसको सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, वो सबसे ज्यादा उम्मीद उससे कर रहे थे, लेकिन आंसर कुछ और ही रहा, आपको जानकारी है क्या रहा। क्लियर हुई कोटेशन फ्रेंड्स? आई एम मेड ऑफ दैट स्टफ सेल्फ मेटल एज माई सिस्टर एंड प्राइज मी एट हर वर्थ। आई एम मेड ऑफ दैट सेल्फ मेटल आई एम मेड ऑफ दैट सेल्फ मेटल एज माई सिस्टर एंड प्राइज मी बात क्लियर हुई फ्रेंड्स? ये लाइन देखिए पहले, आई एम मेड ऑफ दैट सेल्फ मेटल एज माई सिस्टर, कि मैं भी वैसे ही बनी हुई हूं, उसी वस्तु से बनी हूं जिससे मेरी बहन बनी है, एंड प्राइज मी एट हर बर्थ। और मुझे भी आपने आपने जितना उसको दिया है उतना ही आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि जितना सिस्टर ने कहा है, इस बात को कौन कह रहा? देखिए, इसको रीगन कह रही है किंग लियर से, और ये भी एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट से ही ले गई है। तो यहाँ रीगन कह रही है कि मैं भी पिताजी, मैं भी उसी मेटल से बनी हुई हूं जिससे मेरी बहन बनी हुई है, अर्थात जितना प्रेम गोनरिल आपको करती है मैं भी उससे कम नहीं करती, और मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है, तो मुझे भी आप उसके जैसा ही फल दे दो जैसे आपने उसको दिया है, राज्य का सबसे अच्छा भाग उसको दिया है, वैसा ही मुझे दे दो। बात क्लियर हुई फ्रेंड्स? चलिए, हाउ शार्पर देन ए सर्पेंट टूथ टूथ, कि जो एक सांप का फन होता है, इट इज टू हैव अ, चलिए पहले लिखी दू, इट इज टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड। बड़ी प्यारी लाइन यहां कह दी है, और किसने कह दी फ्रेंड्स? किंग लियर ने कह दी, ये एक्ट फर्स्ट से ही है,
लेकिन सीन फोर्थ से ली गई है। अब देखिए ये कहा है कि हाउ शार्पर देन ए सर्पेंट्स टूथ, कि जो एक सांप का फन होता है उससे भी खतरनाक, उससे भी भयानक कौन सी चीज होती है? इट इज टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड, उससे भी खतरनाक एक ऐसा बच्चा जो थैंकलेस है, मींस जितना हमने किया उसका वो एहसानमंद नहीं है। तो ऐसे बच्चे को जन्म देना एक सांप के फन से भी खतरनाक काम करना है। बात क्लियर? एक्चुअल में देखिए, जब राजा को लगता है कि गोनरिल जो है राज्य मिल गया, उसे मिलने के बाद उसने धन्यवाद तक नहीं किया। रीगन, रीगन भी क्लियर को वैसे ही इग्नोर कर चुकी है जैसे गोनरिल ने किया। तब उनको लगता है कि ये थैंकलेस चाइल्ड तो एक सांप के फन से भी खतरनाक होता है। बात क्लियर फ्रेंड्स? समझ में आ रही है? आई एम ए मैन मोर सिंड अगेंस्ट द सिनिंग। आई एम ए मैन मोर सिंड अगेंस्ट द सिनिंग। इस लाइन को कहने वाले किंग लियर हैं और ये एक्ट थर्ड के सीन सेकंड से ली गई है। देखिए वो क्या कह रहे हैं यार, कह रहे हैं कि आई एम ए मैन मोर सिंड अगेंस्ट द सिनिंग, कि जो पापी लोग हैं मैं तो उनसे भी पापी हूं, मैं तो उनसे भी बड़ा पापी हूं, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को क्या कर दिया है, बैनिश कर दिया है, अपनी बेटी को मैंने निकाल दिया है यानी कोर्डिलिया को। और कह रहे हैं कि सभी पापियों को तो ईश्वर दंड देते हैं और सभी लोगों को जो पाप का परिणाम है वो भुगतना पड़ता है, चाहे कोई भी हो, मैं हूं तो मैंने अगर गलती की है तो मैं भी, मुझे भी ईश्वर दंड देंगे और मैं भी पाप का जो परिणाम है वो भुगतूंगा। क्लियर हुई बात? तो ये चारों कोटेशन क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नोट देम। Edge flies to wanton boys, are we to the gods, they kill us for their sports. Edge flies to the wanton boys. कि जिस तरह से जो आवारा लड़के होते हैं उनके लिए फ्लाइज होती हैं, मक्खी होती हैं, आर वी टू द गॉड्स, वैसे ही हम देवताओं के लिए होते हैं। जैसे आवारा लड़के मक्खियों को पकड़कर अपना खेल खेलते हैं, मक्खियों को मारकर अपना खेल खेलते हैं, वैसे ही जो देवता हैं वो मानव जाति के साथ करते हैं, क्या करते हैं? दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। वो अपने खेल के लिए हमें मारते हैं, कौन? देवता, मानव जाति को मार डालते हैं। कौन कह रहा फ्रेंड्स? ये अर्ल ऑफ ग्लूसेस्टर कह रहा है। किससे कह रहा है? टू ए फार्मर, एक फार्मर से वो इस कोर्ट को कह रहा है। और फ्रेंड्स ये जो कोर्ट है ये एक्ट फोर्थ के सीन फर्स्ट से ली गई है। बात क्लियर हुई? चलिए कह रहे हैं कि जिस तरह से जो देवता है वो मानव जाति को अपने मनोरंजन के लिए मार देते हैं, वो वैसा ही करते हैं जैसा कि आवारा लड़के करते हैं। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स पूरी तरह? चलिए, ओ गोनरिल यू आर नॉट वर्थ द डस्ट, ओ गोनरिल You are not worth the dust which the rude wind blows in your face.
कि अरे गोनरिल यू आर नॉट वर्थ द डस्ट, कि तुम तो उस धूल के कण के बराबर भी तुम्हारी औकात नहीं है, जिस धूल के कण को जो चलती हुई हवा है, आवारा हवा है, वो तुम्हारे चेहरे तक छोड़ जाती है। मीन्स चलती हुई धूल, जो चलती हवा से जो धूल तुम्हारे चेहरे पर आकर बैठ जाती है, कि तुम तो उससे भी गई गुजरी हो, कि तुम तो उससे भी निम्न हो। बात क्लियर फ्रेंड्स? अब यहां कौन कह रहा है इस बात को? देखिए, ड्यूक ऑफ अल्बनी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? गोनरिल से कह रहे हैं। और ये क्यों कह रहे हैं इस बात को? एक्चुअल में देखिए, जो गोनरिल है, जब वो अपने फादर के प्रति दुर्व्यवहार करती है, तो उनके जो हस्बैंड है, यानी ड्यूक ऑफ अल्बनी इस बात को कह रहे हैं, वो अपनी पत्नी को तिरस्कार कर रहे हैं, अपनी पत्नी को कह रहे हैं कि तुम्हारी तो वैल्यू कुछ भी नहीं है, तुम तो उड़ती हुई धूल से भी नीचे हो। बात क्लियर? ये जो कोट है फ्रेंड्स, ये फोर्थ एक्ट के सीन सेकंड से ली गई है। अलाउ नॉट नेचर मोर देन नेचर्स नीड, अलाउ नॉट नेचर मोर देन नेचर्स नीड मैन्स लाइफ एज चीप एज बीस्ट। अब देखिए यहां एक्चुअल में क्या कह रहे हैं, जब दोनों बेटियां किंग लियर की, यानी गोनरल और रीगन, जो उनके साथ नाइट्स हैं, किंग लियर के साथ जो 100 सामंतों की टुकड़ी है, गोनरिल कह देती है कि पिताजी आपको इनकी जरूरत नहीं है, आप बेवजह इनको लिए घूम रहे हो, कि यहाँ आप 100 से घटाकर 50 कर दो, और इसमें अपने जैसे जो बूढ़े सामंत हैं उनको रखो, बाकी की आप छुट्टी कर दो। रीगन इससे भी बढ़ के कह देती है, वो कह देती है फ्रेंड पिताजी, गोनरिल तो 50 को कह रही थी, लेकिन मुझे तो लगता है 50 की भी आपको जरूरत नहीं है, आप इस टुकड़ी को घटा के 25 कर दो। तब किंग लियर गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि यदि हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए सामंतों को कम कर दें, तो हम तो केवल और केवल क्या है, हम एनिमल है। क्लियर? कि अगर कोई व्यक्ति जो हमारे लिए जरूरतमंद है, केवल हम उसका जरूरत में ही यूज कर रहे हैं, तब हम कुछ नहीं कर रहे, बल्कि हम एक एनिमल के समान है, हमारी जो भावना है वो एनिमल के समान। बात क्लियर फ्रेंड्स? एक्ट सेकंड सीन फोर्थ, और कहने वाले हैं इसको किंग लियर। लाइन क्लियर हो गई बिल्कुल? चलिए, व्हेन वी आर बॉर्न वी क्राई दैट वी आर कम, When we are born, we cry that we are come to this great stage of fool. देखिए, विलियम शेक्सपियर ने तो वर्ल्ड को स्टेज कहा है। इसकी एक प्ले है, आप चलिए आज कमेंट करके मुझे बताइएगा किस प्ले में एक जो वर्ल्ड है उसको एक स्टेज कहा है। द वर्ल्ड इज स्टेज, मियर मैन एंड वीमेन आर प्लेयर्स। क्लियर? तो बता दीजिएगा कमेंट करके आज मुझे कौन से प्ले में वो लाइन कही है। और उसी से सिमिलर लाइन फ्रेंड्स यहां है, एज वी आर कम टू दिस ग्रेट स्टेज ऑफ फोल। वहां तो क्या है, जो वर्ड है वो क्या है, वर्ड को स्टेज कहा है, लेकिन यहां क्या कह दिया, स्टेज ऑफ फूल, कि जो फूल है, और फ्रेंड जस्ट ए मिनट, नॉट फूल बल्कि फूल्स होना चाहिए, तो जो फूल्स है, मूर्ख लोगों का एक स्टेज,
ये जो लाइन है ये किंग लियर कह रहे हैं, और किसमें कह रहे हैं फ्रेंड्स, फोर्थ एक्ट के सीन सिक्स्थ में ये लाइन कह रहे हैं कि जब हमारा जन्म होता है तो हम रोते हैं, और रोते हैं इसलिए रोते हैं कि हम इस मूर्खों के संसार में आ गए हैं। और जो बच्चा नहीं रोता, आपको जानकारी होगी कि जब बच्चे का जन्म होता है तो वो रोता है, और जो नहीं रोता उसको डॉक्टर स्लैप करके उसको रुला देते हैं। रुलाना इसलिए जरूरी होता है ताकि उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो काम कर सके, यानी उसके लंग्स जो है वो काम कर सके। बात क्लियर हुई फ्रेंड्स? तो यही बात कह दी है किंग लियर ने, बड़ी अच्छी कोट है कि जब हमारा जन्म होता है तो हम रोते हैं। क्यों रोते हैं? कि हम इस मूर्खों के संसार में आ गए हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। द गॉड्स आर जस्ट एंड ऑल आर प्लीजेंट वॉइसेस मेक इंस्ट्रूमेंट टू प्ले अस। द गॉड्स आर जस्ट, कि जो देवता है वो न्यायप्रिय होते हैं। क्लियर? यानी देवता न्याय प्रिय होते हैं, एंड ऑल आवर प्लीजेंट वॉइसेस और जो हमारे वॉइसेस होते हैं मीन्स जो हम पाप करते हैं हमारे ही पापों से वो क्या करते हैं, मेक इंस्ट्रूमेंट्स टू प्ले अस। हमारा विनाश कर देते हैं। कितनी गहरी बात यहां फ्रेंड्स कह दी है यहां एडगर के माध्यम से। ये लाइन एक्चुअल में एडगर कहता है, और एडगर कौन है जानकारी होगी आपको, किंग ऑफ ब्लू सिस्टर का बड़ा बेटा। दो बेटे हैं किंग ऑफ ब्लू सिस्टर के, बड़ा एडगर है और छोटा एडमंड है। तो जो एडगर है वो इस बात को कहता है कि जो देवता है वो न्यायप्रिय होते हैं, वो न्यायी होते हैं, और जो हम पाप करते हैं हमारे ही पापों से वो हमारा नाश कर देते हैं। जैसे किंग लियर का जो नाश हुआ वो किससे हुआ? उसकी मूर्खता से, उसके गुस्से से और उसके अहंकार से। इन तीनों चीजों से किंग लियर का नाश हो गया। किंग लियर को ये तीनों चीजें ले डूबी। और किंग ऑफ ग्लू, जो अर्ल ऑफ ग्लूसेस्टर था, उसका नाश हुआ किससे हुआ? उसका जो चरित्र था, चरित्र में जो उसका पतन था, जो एडल्ट्री उसकी थी, उस एडल्ट्री से उसका नाश हुआ। एडल्टर जो उसका बेटा था कौन, एडमंड, एडमंड ने उसका नाश कर दिया। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? द वेट ऑफ दिस सैड टाइम वी मस्ट ओबे The weight of this sad time we must obey, speak what we feel, speak what we feel, not what we ought to say. अब देखिए कितनी प्यारी लाइन कह दी फ्रेंड्स, एक से एक प्यारी लाइन, एक से एक प्यारी कोट यहां आपको मिल रही है, और मजा भी आ रहा होगा फ्रेंड्स पढ़ने में। द वेट ऑफ दिस सेट टाइम वी मस्ट ओबे, कि जो समय है हमें समय के अनुसार चलना चाहिए। यानी जो अगर हमारा बुरा समय है तो हमें उसके अनुसार चलना चाहिए, हमें समय का कहना मानना चाहिए। स्पीक वॉट वी फील, और हम वही बोले जैसा हम फील करते हैं। वो बात नहीं कहनी चाहिए जो हम कहना चाहते हैं, बल्कि हमें वो कहना चाहिए जो हम फील करते हैं। यानी हमारे जो वर्ड्स हैं वो हमारी फीलिंग के अनुसार होने चाहिए। बात क्लियर फ्रेंड्स? मजा आया लाइन में? और कौन कह रहा है ये भी? एडगर ही कह रहा है, लेकिन
सीन बदल गया, वो एक्ट फिफ्थ के सीन थर्ड में इस लाइन को कह रहा है, इफ यू आर मैन ऑफ स्टोन, ओ यू आर मैन ऑफ स्टोन्स, अरे तुम तो पत्थर के व्यक्ति हो, हैड आई योर टंग एंड आईज, क्या मैं तुम्हारी टंग और आईज को मैं ले सकता हूं, आई वुड यूज देम सो दैट, कि मैं उनको इस प्रकार से यूज करूंगा, हेवंस वॉल्ट क्रैक, कि जो हेवन है, जो स्वर्ग है, जो स्वर्ग की मेहराब है, जो स्वर्ग की छत है, वो भी चटक जाएगी, एंड सी हैज गोन फॉर एवर, और वो हमेशा के लिए चली गई है। बड़ी इमोशनल लाइन फ्रेंड्स यहां कह दी है किंग लियर ने, और एक्चुअल में ये एक्ट फिफ्थ के सीन थर्ड से लाइन ली गई है। किंग लियर का अंतिम समय है, बूढ़े हो चुके हैं, कॉर्डिलिया को मार दिया जाता है, तब वो उस काल कोठरी में बैठे हैं और कॉर्डिलिया की पुअर बॉडी को अपने हाथों में लेकर इस लाइन को कह रहे हैं कि तुम तो पत्थर के व्यक्ति हो, अगर मेरे पास तुम्हारी जवान और तुम्हारी तरह आंखें होती तो जो स्वर्ग की जो छत है वो भी गिर जाती, वो भी टूट कर गिर जानी चाहिए थी, क्योंकि मेरी जो बेटी है वो तो हमेशा के लिए चली गई है। और इसके बाद फ्रेंड्स जो किंग लियर हैं उनकी भी डेथ हो जाती है, कॉर्डिलिया के बाद किंग लियर भी मर जाते हैं। हु इट इज दैट कैन टेल मी हु आई एम, ये क्लियर हुई ऊपर वाली कोटेशन, चलिए नीचे वाली को डिस्कस कर लेते हैं। हु इट इज, अरे कोई है, दैट कैन टेल मी हु आई एम, जो मुझे बताए कि मैं कौन हूं, ये लियर कह रहे हैं फ्रेंड्स, और किससे कह रहे हैं, गॉनरिल से। एक्चुअल में देखिए क्यों कह रहे हैं, एक्चुअल में यहां रीगन जो है वो एक सार्केज्म कर रहे हैं, वो एक कटाक्ष यहां कर रहे हैं, और कटाक्ष करते हैं वो गॉनरिल से कह रहे हैं, अरे बताओ भाई मैं कौन हूं, कोई मुझे बता सकता है कि मैं कौन हूं। और ये जो फ्रेंड्स ये एक्ट फर्स्ट के सीन फोर्थ से कोट ली गई है, बात क्लियर है, चलिए फ्रेंड्स नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेट फॉल योर हॉरिबल प्लेजर, हियर आई स्टैंड योर स्लेव, अ पुअर इनफॉर्म वीक एंड डिस्पाइज्ड ओल्ड मैन, लेट फॉल योर हॉरिबल प्लेजर, कि जो तुम्हारा प्लेजर है। अब देखिए एक्चुअली बैकग्राउंड बता दूं मैं इस कोट की क्या है, ये एक्ट थर्ड के सीन सेकंड से ली गई है, यहां किंग लियर कह रहे हैं, और वो स्टॉर्म को, तूफान को, जो दृश्य है तूफान का, आधी बिजली की चमक, बड़ा खतरनाक दृश्य है, और ये तूफान को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जो वर्षा और जो तूफान, तुम तो अपनी मर्जी कर लो, जो तुम चाहते हो वो कर लो, हियर आई स्टैंड योर स्लेव, कि मैं तो तुम्हारा गुलाम बना हुआ खड़ा हूं, लेट फॉल योर हॉरिबल प्लेजर, हियर आई स्टैंड योर स्लेव, कि जो तुम चाहते हो वो कर लो, मैं तो आज तुम्हारा गुलाम हूं, और क्या हूं, अ पुअर इनफॉर्म वीक, पुअर इनफॉर्म ऑफ वीक,
ये तीनों सिनोनिम्स ही हैं, इनफर्म शक्तिहीन, वीक कमजोर, पुअर गरीब, क्लियर, एंड डिस्पाइज्ड ओल्ड मैन। और डिस्पाइज्ड, डिस्पाइज्ड का मतलब है घृणित, कि मैं घृणित, घृणा से भरा हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति हूं। कौन कह रहे हैं फ्रेंड्स? किंग लियर, एक्ट थर्ड के सीन सेकंड में कह रहे हैं। और फ्रेंड्स ये पहली बार है जो किंग लियर, इतना घमंडी व्यक्ति, इतना अहंकारी व्यक्ति, उसको यहां लग गया है कि अब उसका जो अहंकार है वो खत्म हो गया है, उसकी जो शक्ति है वो खत्म हो गई है। किंग लियर अपने आप को बड़ा शक्तिशाली समझते थे, बड़ा अहंकारी व्यक्ति किंग लियर रहे हैं, लेकिन यहां आज उनको अपनी शक्ति का एहसास हो गया और कह रहे हैं कि मैं तो शक्तिहीन हूं, मैं तो बेचारा हो गया हूं, मैं तो घृणित बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हूं। तूफान, जो तू चाहता है वो कर ले, मैं आज तेरा गुलाम बना हुआ यहां खड़ा हुआ हूं। बात क्लियर फ्रेंड्स? डियर डॉटर, आई कन्फेस दैट आई एम ओल्ड। कि प्रिय बेटी, मैं अस्वीकार करता हूं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। आई कन्फेस दैट आई एम ओल्ड। एज इज अननेसेसरी। देखिए इस लाइन को कौन कहते हैं फ्रेंड्स? यहां किंग लियर कह रहे हैं, रीगन से कह रहे हैं। और फ्रेंड्स सेकंड एक्ट के सेकंड सीन से लाइन ली गई है, ये कोट ली गई है। यहां वो बेटी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि प्रिय बेटी, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन आगे वो पूछते भी हैं, लेकिन क्या बूढ़ों का तिरस्कार किया जाना चाहिए? क्या जो मेरी एज है वो नेसेसरी हो गई है? क्या मैं किसी काम का अब नहीं रह गया हूं? बात क्लियर? तो वो यहाँ पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या है मानव जीवन का उद्देश्य, मुझे बताओ। फ्रेंड्स चलिए, लेक्चर काफी लेंदी हो गया, और चलिए फ्रेंड्स पहली बार आप चैनल को वॉच कर रहे हैं तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो चैनल पर आए उसका नोटिफिकेशन आपको YouTube भेज दे। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई कोड्स को एक्सप्लेन करते हुए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।